जय हिंद दोस्तों, आज हम 6 मई 2021 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में सशस्त्र बलों द्वारा, यहाँ पर सशस्त्र लिखना था, मिस्टेक है, सशस्त्र बलों द्वारा को जीत ऑपरेशन शुरू किया है, इस ऑपरेशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, इसका नेतृत्व जो है किया जा रहा है लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानिटकर। ये दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानिटकर, इनके द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, इस ऑपरेशन के तहत जो चिकित्सकीय सुविधा जैसे ऑक्सीजन की आपूर्ति कराई जाएगी, सिविल जनता के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति कराई जाएगी और बेड की भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी, और जैसे ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है ये किससे रिलेटेड है? ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 जो पिछले साल कोविड-19 के दौरान विदेशों से जो 1 चलाया था, विदेशों से भारतीयों को लाना, नेवी शिप के द्वारा भारतीयों को वापस भारत के अंदर लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 चलाया गया था, और इस साल ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 चलाया गया, जिससे नेवी के शिप के द्वारा जो ऑक्सीजन के कंटेनर हैं उनको भारत में लाना, ये ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 का मकसद है। ऑपरेशन ऑक्सीजन जो है ये एयर फोर्स ने चलाया था, जहाँ जहाँ पर भी ऑक्सीजन के कंटेनर होंगे उनको उठा के भारत के अंदर ही जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर कंटेनर पहुँचाना, ये चलाया था ऑपरेशन ऑक्सीजन एयर फोर्स ने, इंडियन एयर फोर्स ने चलाया था। अभी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपको इसी के साथ में पता होना चाहिए एयरफोर्स के जो चीफ हैं, एयर चीफ मार्शल, उनका नाम है राकेश सिंह भदुरिया, और नेवी के जो चीफ हैं उनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह, आर्मी के जो चीफ हैं उनका नाम है दोस्तों जनरल मुकुंद नरावने, और चीफ डिफेंस स्टाफ इनका नाम है दोस्तों जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत, ये सबको पता होना चाहिए। और आर्मी डे मनाते हैं 15 जनवरी को, नेवी डे मनाते हैं दोस्तों, आर्मी डे मनाते हैं 15 जनवरी को, नेवी डे मनाते हैं दोस्तों 4 दिसंबर को, और एयरफोर्स डे मनाते हैं 8 अक्टूबर को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य ने गोपबंधु संबंधी का स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पत्रकारों को अंतिम पंक्ति कार्यकर्ता घोषित किया है? दोस्तों, ये राज्य है ओडिशा। ओडिशा के जो सीएम है वो है दोस्तों, ओडिशा के सीएम है दोस्तों नवीन पटनायक। गोपबंधु संपादिका स्वास्थ्य बीमा योजना जो है इसके तहत जो पत्रकारों को फ्रंट लाइनर घोषित किया जाएगा, और इस फ्रंट लाइनर घोषित करने से पत्रकारों को 2 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा, और साथ में जो वैक्सीनेशन के पहले चरण में ही पत्रकारों को वैक्सीन दी जाएगी, वैक्सीन का टीका दिया जाएगा, यही इसका दोस्तों मकसद है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 मई 2021 को मानस बिहारी वर्मा का निधन हो गया है, यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों ये वैज्ञानिक थे। दोस्तों ये कौन थे? वैज्ञानिक थे। इन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ, ये उनके सहयोगी थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे इनके ये कौन थे? सहयोगी थे। और इनके बारे में इन्होंने जो तेजस
जो हमारा एयरक्राफ्ट बनाता तेजस, इसको बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। तेजस जो एयरक्राफ्ट बनाया था, इनको बनाने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान था। कौन सा था वो एयरक्राफ्ट? तेजस। एयरक्राफ्ट बनाने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान था, और इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया हुआ है। तो आपको जैसे तेजस का निर्माण दोस्तों किसने किया था? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसने किया था। और इस साल का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? दोस्तों इस साल का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है डॉक्टर हेमंत, डॉक्टर हेमंत, डॉक्टर हेमंत, इनको इस साल का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। और एक किसने दिया हुआ है? DRDO के चीफ डॉक्टर सतीश रेड्डी, DRDO के चीफ है डॉक्टर सतीश रेड्डी, इन्होंने दिया हुआ है। DRDO की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में नेहरू जूलॉजिकल पार्क, इस पार्क में एशियाई शेर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, यह पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये जो नेहरू जूलॉजिकल पार्क है पेपर के अंदर पूछा जाता है, तो ये कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों स्थित है हैदराबाद के अंदर स्थित है। मनुष्य के द्वारा जानवरों के अंदर COVID-19 का संक्रमण होना ये पहला ही केस है दोस्तों, और ये कहाँ पर हुआ है? अभी नेहरू जूलॉजिकल पार्क में हुआ है, और ये पार्क कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद के अंदर स्थित है। हैदराबाद जो सिटी दोस्तों कौन से नदी के किनारे हैं? हैदराबाद सिटी दोस्तों मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। और इसी हैदराबाद को निजामों से मुक्त किया था दोस्तों, कौन से ऑपरेशन के तहत किया था? ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को निजामों से आजाद करवाया था। कोरोना से रिलेटेड और एक दो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। किस देश ने कोरोना वायरस की पहली पशु वैक्सीन बनाई है? दोस्तों किस देश ने कोरोना वायरस की पहली पशु वैक्सीन बनाई है? तो वो देश दोस्तों रूस। और कौन सी वैक्सीन दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन के रूप में रजिस्टर हुई है? तो वो भी हुई दोस्तों स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 ये किसने बनाई दोस्तों? ये भी रूस ने ही बनाई है। एशियाटिक लॉयन के लिए भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है बार बार। एशियाटिक लॉयन के लिए भारत में गिर नेशनल पार्क, कौन सा गिर नेशनल पार्क जो है ये प्रसिद्ध है? और ये है दोस्तों गुजरात के अंदर है। कहाँ पर? ये गुजरात के अंदर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना संकट को देखते हुए 72 लाख राशन कार्ड धारकों को 2 महीने का मुफ्त राशन देने की घोषणा की है? तो वो राज्य दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के उपराज्यपाल है अनिल बैजल। इस योजना के तहत 72 लाख राशन कार्ड धारकों को 2 महीने का मुफ्त राशन देने की दिल्ली सरकार ने घोषणा की है। और ऑटो टैक्सी और जो मजदूर है उनको आर्थिक सहायता भी देगी दिल्ली गवर्नमेंट, और वो कितना देगी? 5,000 रुपये दिल्ली गवर्नमेंट देगी। जैसे ऑटो चालक है जो मजदूर है उनको देगी 5,000 रुपये। नेक्स्ट दिल्ली से रिलेटेड और क्वेश्चन बताऊँ, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली दोस्तों
हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। पेपर में क्वेश्चन आते हैं, साथ में पढ़ते चलो। और भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का है दोस्तों? तो वो है दिल्ली का। अभी चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में किस राज्य में 10 करोड़ साल पुराने डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है दोस्तों, मेघालय। ये राज्य कौन सा है? मेघालय। मेघालय की कैपिटल क्या है बताओ, बताओ, कोई बता पाएगा? शिलोंग। मेघालय कैपिटल क्या है? शिलोंग। पेपर में इस तरह से क्वेश्चन दोस्तों आते हैं। ये जो डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले दोस्तों, ये डायनासोर कौन सा था? सॉरीपोड डायनासोर। सॉरीपोड डायनासोर था। 10 करोड़ साल पहले के जीवाश्म मिले हैं। और ये जो सॉरीपोड डायनासोर था दोस्तों, इसकी जो गर्दन और पूंछ बहुत लंबी होती थी। क्या होती थी? गर्दन और पूंछ सबसे लंबी होती थी। और इसका सिर बहुत छोटा होता था, पैर खंभे की तरह मजबूत होते थे। हाँ देश का पहला डायनासोर संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो देश का पहला डायनासोर संग्रहालय दोस्तों खोला गया है महीसागर गुजरात के अंदर। कहाँ खोला गया है? महीसागर गुजरात के अंदर देश का पहला डायनासोर संग्रहालय खोला गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्रतिवर्ष विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 5 मई को मनाया जाता है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। दोस्तों इसमें जो है अलग अलग, जैसे एक है हैंड वॉश डे। कौन सा है? हैंड वॉश डे है, वो मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। एक कौन सा है? विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, वो 5 मई को मनाते हैं। और एक है हैंड वॉश डे। कौन सा है? हैंड वॉश डे, ये कब मनाते हैं हम? 15 अक्टूबर को मनाते हैं हैंड वॉश डे। दोनों में अंतर है, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस और हैंड वॉश डे। 22 मई को मनाते हैं दोस्तों हम जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 31 मई को मनाते हैं दोस्तों हम तंबाकू डे। तंबाकू डे मनाते हैं, तंबाकू डे। और 1 मई को मनाते हैं हम महाराष्ट्र दिवस और मजदूर डे मनाते हैं हम 1 मई को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस देश ने भारत को 2.42 बिलियन डॉलर की 6 पोसिडॉन 81 पेट्रोल एयरक्राफ्ट की बिक्री के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये देश है अमेरिका। अमेरिका कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। और या इसके यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन। यहाँ के डिप्टी प्रेसिडेंट है दोस्तों कमला हैरिस। ये जो P-81, ये जो P-81 एयरक्राफ्ट है दोस्तों, ये अमेरिका से खरीदेंगे हम। और ये कितने में खरीदेंगे? 2.42 बिलियन डॉलर में खरीदेंगे। और ये इंडिया खरीद रही है 6 एयरक्राफ्ट खरीद रही है। कितनी खरीद रही है? 6 एयरक्राफ्ट खरीद रही है। तो दोस्तों पेपर में क्वेश्चन टपक सकता है। और ये जो एयरक्राफ्ट दोस्तों, इनका यूज कौन करेगी? इसको यूज करेगी नेवी। इसको यूज करेगी नेवी। और समुद्र की निगरानी के लिए इन एयरक्राफ्ट का यूज होगा। किसके लिए होगा? समुद्र की निगरानी के लिए। समुद्र की निगरानी के लिए इसका यूज किया जाएगा। तो आपको और दो चार क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ मैं। जैसे हमने खरीदा था राफेल। राफेल हमने किससे खरीदा था? फ्रांस से। किससे खरीदा था? फ्रांस से खरीदा था।
और इसकी कंपनी पता होनी चाहिए, द डसॉल्ट कंपनी इसकी कौन सी है, द डसॉल्ट कंपनी है से हमने खरीदा था। और एक था दोस्तों चिनुक हेलीकॉप्टर, कौन सा, चिनुक हेलीकॉप्टर, चिनुक हेलीकॉप्टर हमने खरीदा था USA से हमने खरीदा था, अमेरिका से खरीदा था। नेक्स्ट इज सुकोई, सुकोई दोस्तों हमने खरीदा था रूस से, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 5 मई 2021 को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है, तो दोस्तों पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जो है वो है जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़ है। और 5 मई 2021 को ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और ये शपथ बांग्ला भाषा में ली है। और ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की सीएम बन रही है, लेकिन दोस्तों ये अपनी जो नंदीग्राम जो इनका कंस्टिट्यूंसी थी जहाँ पर ममता बनर्जी अपना चुनाव लड़ रही थी वहाँ पर ये चुनाव हार गई है नंदीग्राम में। और इनको चुनाव हराया है शुभेंदु अधिकारी, इनको जो चुनाव हराया दोस्तों शुभेंदु अधिकारी, इसका भी नाम ध्यान रखना, शुभेंदु अधिकारी जो थे ये नंदीग्राम से जीते हैं, उन्होंने ममता बनर्जी को इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हराया है। तो पश्चिम बंगाल की टोटल विधानसभा की सीट दोस्तों 294 से 292 में ही अभी विधानसभा का चुनाव हुआ है, दो अभी चुनाव बाकी है। लेकिन ममता बनर्जी हारने के बाद ही पश्चिम बंगाल की सीएम कैसे बनी है, तो दोस्तों ये आर्टिकल 164 के फोर्थ भाग में दिया हुआ है। 6 महीने का टाइम होता है ममता बनर्जी के पास, 6 महीने का टाइम रहेगा, इस 6 महीने के अंदर उनको विधानसभा का या विधान परिषद का सदस्य बनना जरूरी है। जैसे महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं ये भी उस समय चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन जब विधान परिषद के ये वहाँ पर सदस्य बन के गए हुए, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे जी, ये विधानसभा के सदस्य है या फिर विधान परिषद के सदस्य है, तो जो उद्धव ठाकरे जी दोस्तों हमारे विधान परिषद के सदस्य है। तो 6 महीने के अंदर इनको विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी है। आगे चलते हैं दोस्तों, बंगाल से रिलेटेड और एक दो क्वेश्चन है। भारत का पहला जीआई टैग किसे मिला था, भारत का पहला जीआई टैग मिला दोस्तों दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग की चाय को भारत का पहला जीआई टैग मिला था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है, ये भी पेपर में आ सकता है दोस्तों। जो टीएमसी है, ममता बनर्जी की जो पार्टी है दोस्तों वो है टीएमसी, इसका जो चुनाव चिन्ह है दोस्तों घास और फूल, घास और फूल मंजे गवत आनी फूल, घास को क्या बोलते हैं गवत आनी फूल, ये क्या है उसका चुनाव, टीएमसी का चुनाव चिन्ह है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 5 मई 2021 को उच्चतम न्यायालय के 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार किया है, इस संविधान पीठ की अध्यक्षता किसने की है, दोस्तों इस संविधान पीठ की अध्यक्षता की है न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने, न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने इस संविधान पीठ की अध्यक्षता की है। दोस्तों इसमें 5 जजों की बेंच होती है, 5 जजों की बेंच होती है, और इन्होंने इसके अंदर मराठा आरक्षण को खारिज कर दिया है। इसमें इन्होंने ये बताया है कि आरक्षण के लिए 50% की तय सीमा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, सर्वोच्च अदालत ने शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। उच्चतम न्यायालय के 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने कहा है कि मामले में इंदिरा साहनी केस पर आया फैसला सही है, इसलिए उस पर पुनर्विचार करने की जरूरत नहीं है। और उच्चतम न्यायालय
ने स्पष्ट कर दिया है कि मराठा समुदाय को शिक्षा और नौकरियों में 50% की सीमा पार करके आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में ये भी साफ कर दिया है कि मराठा समुदाय के लोग शैक्षिक और सामाजिक तौर पर इतने पिछड़े नहीं हैं कि उन्हें आरक्षण के दायरे में लाया जाए। तो दोस्तों, ये था सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इसी के साथ में आज का करंट अफेयर यहीं पे ख़त्म करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये करंट अफेयर पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना। जय हिंद, जय भारत।